सो हेलो गाइस, जैसा कि आपने पिछली वाली वीडियो में देखा था कि चैप्टर 2 की समाप्ति हो चुकी थी और हमने खुद ही कैरन को एक जगह से दूसरी जगह पर लाया था, जो कि बैनी ने करवाया था हमसे। और मैं अभी इससे बात कर लेता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ आपको क्या सीन है। ओके, तो यहाँ पर इससे बात कर ली है मैंने और ये यहाँ पर पता नहीं इतना ज़्यादा ये लोग भाग क्यों क्यों जा रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपको समझाता हूँ पूरा सीन क्या है। देखो, पिछली वाली वीडियो में क्या हुआ था कि हम गए थे एक गैंग पे अटैक करने, लेकिन हमें नहीं पता था कि उस जब तक मैं उस गैंग को मारूंगा तब तक बैनी, जो कि कैरिन को कहीं उसने किडनैप करके कर रखा था, वो उसे उस कार में लेके रख देगा और उस कार को फिर वो फ्रैंक के पास लेके चला जाएगा। तो पिछले वीडियो में ये कुछ सीन हुआ था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चेकआउट करना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं, देखो अगर आप स्टोरी मिशंस को पहले से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि जो हम एक बार एक क्लब में थे, मतलब वैरा के क्लब में थे, हमने फ्रैंक के कैशियो से चोरी की थी और उसके बाद हुआ ये था कि फ्रैंक के आदमियों ने हम पे अटैक कर दिया था और उसके बाद से मुझे कैरिन और वैरा का कुछ भी नहीं पता था। उसके बाद से मैं फ्रैंक के लिए काम करने लगा था, आई डो नॉट नो वाई। तो फाइनली यहाँ पे अब हुआ ये है कि मुझे इतना तो पता चल गया कि कैरिन जिंदा है। अगर कैरिन जिंदा है तो इसका मतलब वैरा भी जिंदा होगी। तो फाइनली मैंने वैरा से कांटेक्ट कर लिया था और उसने बोला कि मैं देखो तुमसे मिलने तो आ नहीं सकती अभी बाहर, जब मिलना होगा तब मैं तुम्हें बता दूंगी। अभी मैं तुम्हें एक लड़की को भेज रही हूँ, उसके साथ मैं कुछ तुम्हें लोकेशन दे रही हूँ, वो तुम्हें जिन लोकेशन पर बताए उन लोकेशन पर जाकर तुम्हें चेक करना है कि क्या वहाँ पर कैरिन है या नहीं। तो इसलिए वो लड़की हमसे मिलने आई थी और उसने हमें लोकेशन दे दी है। तो फाइनली चल के हमें उस लोकेशन पे जाके सारी चीज़ें चेक करनी है कि आखिर हमें कैरिन वहाँ पर मिलती है या नहीं। तो फाइनली मैं चलता हूँ सबसे पहले उस लोकेशन पर और उसके बाद आपको बता दूँ कि गाइस 3000 के हम बहुत ज़्यादा करीब हैं यार। मैंने सब्सक्राइब करने के लिए बोलना क्या छोड़ दिया, आप लोगों ने तो सब्सक्राइब ही करना बंद कर दिया। प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करा के 3000 को क्रॉस कर दें फटाफट। हो सकता है 3000 शायद क्रॉस ही हो चुके हों, बट अगर बाकी हैं तो जल्दी से जल्दी करवा दें। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ इस लोकेशन पर और इस लोकेशन पर मैं अपनी कार को करता हूँ आगे मत जा, रुक जा। ओके, तो यहाँ पर ये कार मैं बता दूँ, उससे पहले देख लेते हैं कि आखिर पूरा लोकेशन का एक बार ड्रोन से जायजा ले लेते हैं कि कितने सारे आदमी होने वाले हैं यहाँ पे और कितनी बड़ी लोकेशन होने वाली है और हमें कहाँ कहाँ पे जाके उसे फाइंड करना होगा। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे, मतलब ये बहुत बड़ा सा फैक्ट्री एरिया है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही लोकेशन शायद 4 हैं और सब अच्छी बात है, आसपास है और मुझे पता है वहाँ पर गुंडे भी होंगे। तो फाइनली चल के फटाफट से सारी लोकेशंस को करते हैं चेक कि वहाँ पर आखिर कैरिन है या नहीं। आई होप कि हमें कैरिन मिल जाए। अगर एक बार कैरिन मिल गई, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो चैप्टर 2 की समाप्ति हो चुकी है, चैप्टर जिसका डर था वही हुआ, फाइनली सामने गुंडे हैं। मैं सोच रहा हूँ चुपचाप से जाके अगर पीछे से जाऊँ तो ये शायद मुझ पर गोली नहीं चलाएंगे। हाँ चलो पीछे से चलता हूँ, लेकिन पीछे से तो बंद है तो मुझे आगे से ही जाना पड़ेगा और आगे से जाते मुझे पता है ये शायद मुझे मारेंगे। देखो अगर ये मेरे को नहीं मारते तो मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं, बस कर दी तुमने सुअरों वाली बात ना, अब तुम्हारा भाई खेल ख़त्म होगा, इसमें कोई दोहराया नहीं। फाइनली मैं सोच रहा हूँ क्यों ही मारूँ इन्हें, मैं बिल्कुल नहीं मारना चाहता था क्योंकि यार मुझे अपना काम करने दो और जाने दो, मुझे तुमसे क्या मतलब, मुझे फर्जी किसी से लड़ाई नहीं करनी। बट आपको पता है जैसे कि ये कितने बड़े बकरी चोर हैं, ये हमें ऐसे तो जाने नहीं देंगे। तो फाइनली मुझे अपनी देसी पिस्टल, देसी कट्टा निकालना पड़ेगा और इन सबके मत्थे खोलने ही पड़ेंगे, इसके सिवा कोई भी चारा नहीं है। जबकि उनको पता है कि यार मैं इतना बड़ा गैंगस्टर चड्डी डॉन यहाँ पे स्वयं आया हुआ है और उसके बाद ही हमसे लड़ाई ले रहे हैं उन 2 कौड़ी की SMGs से, जबकि हमारे एक कट्टे का ये सामना नहीं कर सकते, देसी कट्टे का। तो फाइनली यहाँ पे इतना अंधेरा है और ये लोकेशन परफेक्ट है किसी को भी हाइड करने के लिए, बट यहाँ पे इस वाले आप कह सकते हैं कि हैंगर में तो वो है नहीं। अब चलते हैं दूसरे हैंगर में और उसके बाद वहाँ पे जाके चेकआउट करते हैं कि आखिर वो उस हैंगर में है या नहीं। तो फाइनली मैं आपको बता दूं कि देखो चैप्टर 2 हो चुका है ख़त्म, चैप्टर 2 में हम थे गुलाम, अब चैप्टर 3 आ चुका है रिवेंज वाला, जब हम फ्रैंक को मार के उसका सारा चीज़ ख़त्म करेंगे, आई थिंक सो। तो इसको मैं गोली नहीं मारूंगा क्योंकि इसने गोली नहीं निकाली है, इसको मैं थोड़ा और करीब से जाता हूँ, थोड़ा इसके मोहब्बत से लेंगे इसे बहुत तगड़े से। यहाँ पे अगर तलवार होती तो उसका मज़ा अलग ही था। और उसके साथ में मैं आपको बता दूँ, ये जो आप कार देख रहे हो, ये कार अभी जो छोले इवेंट चल रहा है उसका ही रिवॉर्ड है। तो आप देख सकते हो कैसी ये कार है, कुछ खास ज़्यादा पसंद नहीं आई क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे तो नहीं आई, बाकी आप लोग बताना कि ये कार आपको कैसी लगी अगर आपको मिल चुकी है तो, या ऑलरेडी हो आपके पास तो भी बताना। और उसको लेवल 3 अपग्रेड कर लिया मैंने, तब भी उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है। तो फाइनली यहाँ पे देखिए कैसे खड़े हैं और मुझे देखते ही
इनका काम शुरू हो जाता है। और यहाँ पे हम दूसरी लोकेशन पर आ चुके हैं। अगर आज हमें यहाँ पे कैरिन मिल जाती है तब तो वेल एंड गुड, उसके बाद हम वेरा को बुला के फाइनली फ्रैंक पर अटैक कर देंगे। अगर अगर हमें कैरिन पर कैरिन नहीं मिलती यहाँ पर, तो हमें कुछ और जुगाड़ निकालना पड़ेगा, फिर किसी और की सहायता लेंगे, शायद ई मैन की सहायता लेनी पड़ेगी। और दूसरे हैंगर भी खाली है, तो मतलब यहाँ पे भी हमें कैरिन नहीं मिलने वाली। देखो अगर आज कैरिन मिल जाती तो वेल एंड गुड, और मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। ये चीज़ ना तो बैनी को पता चलनी चाहिए और ना ही फ्रैंक को, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर वो हमें किडनैप कर लेंगे और फिर हमें ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा इन सभी के लिए। तो फाइनली हमें क्या करना है, यहाँ से फटाफट तीसरी लोकेशन की तरफ निकलना है और उसके बाद वहाँ पर चल के चेकआउट करना है कि आखिर वहाँ पर कैरिन है या नहीं, क्योंकि कैरिन का मिलना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना कैरिन के मिले हम कुछ भी नहीं कर सकते। और मेरा भी अब बहुत ज़्यादा मन हो रहा था कि फ्रैंक को अब ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। तो फाइनली इन सब बकरी चोरों पर मैं ज़रा गाड़ी चढ़ाता हूँ फटाफट करके। और एक तो यार इतने ये उसके अंदर रहते हैं कि इन पर गाड़ी भी मैं नहीं चढ़ा पा रहा हूँ। तो फाइनली फटाफट इन सबका भी खेल ख़त्म करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि क्या सीन है। वैसे मुझे लग तो रहा है कि वो शिट उनको मारने के चक्कर में मैं इतनी पीछे आ गया कि बिल्कुल नीचे ही गिर गया। अब मुझे थोड़ा सा घूम के जाना होगा और ये साले वहाँ से भी गोली चला रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं फटाफट यहाँ से अपनी कार को थोड़ा सा टर्न करता हूँ और अपनी सुपर फास्ट स्किल्स का इस्तेमाल करके यहाँ से गाड़ी लेके निकलता हूँ सीधे हैंगर की तरफ, क्योंकि इस बारी इनको मैं कुत्ते की मौत मारने वाला हूँ। ये मुझे सामने दिख गए तो गाड़ी ही चढ़ा दूंगा, लेकिन ये साले दिख गए। और यहाँ पे एक का तो काम मैंने कर दिया तमाम, पूरी ऐसी की तैसी। और दूसरे के लिए अंदर कार नहीं जाएगी, तो मुझे कार को बाहर ही छोड़ना पड़ेगा। और इसी के साथ यहाँ पे मुझे अपना देसी कट्टा का यूज़ करना पड़ेगा या फिर अपनी AK-47 निकाल लेता हूँ मैं, क्योंकि AK-47 से मारने का अपना अलग ही मज़ा है। और उसके साथ में ये रही लास्ट लोकेशन। आप लोग विश करो कि यहाँ पे हमें कैरिन मिल जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे कैरिन नहीं मिलती है तो फिर हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। बट जैसा कि मुझे उम्मीद थी, यहाँ पर भी हमें कैरिन देखने को नहीं मिली। अब मुझे यहाँ से फटाफट निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रैंक के आदमी कभी भी आ सकते हैं और इनकी गैंग भी आ सकती है। आप देख सकते हैं कितना हिडन एरिया है यहाँ पर। यहाँ पर ये मुझे घसीट घसीट के भी मारेंगे तब भी कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, और पुलिस तो यहाँ पर आती ही नहीं है, आपको पता होगा यहाँ पर। तो फाइनली मैं यहाँ से निकलता हूँ बहुत तेज़ी में। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर कैरिन है कहाँ पर। देखो हमें जितनी उम्मीद थी कि कैरिन को उन्हें यहीं पर रखना था, और यहाँ पर इन्होंने सिक्योरिटी भी लगा रखी है, तो शायद इनको पता चल गया होगा कि हम यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने उसको शिफ्ट कर दिया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो किसी ना किसी तरीके से उसको ट्रेस करने की कोशिश करेंगे, जो क्योंकि उसे तो हमें ढूंढना ही ढूंढना है। तो अब चलेंगे ई मैन के पास, और ई मैन के पास चल के कुछ ऐसी तरकीब लगाएंगे कि जिससे हम उसे ट्रेस कर पाएँ और इजीली उसे हम ढूंढ पाएँ। तो फाइनली मैं चलता हूँ और वेरा का कॉल आने वाला होगा। चलो मैं देखता हूँ आखिर क्या होती है बात, और इसके अगले वाले वीडियो में चलेंगे फाइनली कैरिन की लोकेशन पर, मतलब उसको ढूंढ ही लेंगे अगले वाले वीडियो में। तो जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।